मिलने आए हैं, अल्लाह आपको हिम्मत दे। आप लोगों पे दहशत गर्दी के मुकदमे? आज हम इमरान खान के मुकदमों के लिए आए थे। हाँ, वैसे दहशत गर्दी के हैं और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एंटी स्टेट की भी FIA की इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। आप लोग, आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और हमारी भी हैं, खुश है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे इंशाल्लाह। ये अभी मैं अब तो टेररिस्ट हूँ, आज से अब जो आज मुकदमा है वो टेररिज्म का है, वो देखते हैं इसका क्या बनता है। इससे पहले और थे हमारे सारे जितने यहाँ लोग आते हैं ना, वो सारे दहशतगर्द हैं, जितने आपको नजर आ रहे हैं वो दहशतगर्द। ये फिर सारे बोलते तो पाकिस्तान जिंदाबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये पाकिस्तान ही के देखे, वही तो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। नहीं देखे ये, लेकिन ये चीज चल नहीं सकती। आपका क्या ख्याल है, चलेगी नहीं? ये इनके ये जो मर्जी कर लें, जो यहाँ लोग खड़े होते हैं ना, वो डरे हुए होते हैं ना, वो कमज़ोर लगते हैं, और जो हिम्मत लोग इस वक्त कर रहे हैं वो एक बड़े वसीदा निज़ाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और अगर हम नहीं खड़े होंगे तो फिर अगली, जैसे इमरान खान ने हमें सबको कहा है कि अगर आज आप नहीं खड़े होंगे इस निज़ाम जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़, तो अगली नस्लें पिस जाएंगी। देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है, उससे हम भाग के नहीं जा सकते। जितना मर्जी हम भाग लें, जितनी मर्जी दौड़ लगा लें, उस दायरे से बाहर हम जा नहीं सकते। उसका अपना एक कायदा और उसका अपना एक कानून है और उसका अपना एक तरीका है। अब भाग लें जितना भागना है, एक्चुअली तो अल्लाह की पकड़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है। अब उसके आगे आप भाग तो नहीं सकते। अल्लाह ताला सब्र दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे और अल्लाह हमें वो फैसला करने की तौफीक दे जो पाकिस्तान के लिए सूदमंद हो, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ ऑलरेडी। नहीं, मेरा ख्याल है ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमें भी होश दिलाने के लिए एक वक्त आना था ना, और इमरान खान ने कहा था कुर्बानी के बगैर कोई कुछ नहीं होना। एक आम आदमी की हालत तो देखें ना आप क्या। और ये देखें जो आपके साथ पुलिस वाले, अगर ये पुलिस वाले भी साथ आपके बैठे हुए ना, यकीन से मैं आपको बता रही हूँ, इनकी भी दर्द वही है जो हम सब का। एग्जैक्टली वो कह रहे हैं ये बात, यानी ऑफ द रिकॉर्ड वो मुझे कहते हैं ये बात, सब कहते हैं। नहीं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ये ऑन द रिकॉर्ड अब सब जाएंगे, अब बहुत हो गया। ये जो निज़ाम है ना, अगर हमने इसका मुकाबला करना है, सबको ऑन द रिकॉर्ड जाना पड़ेगा। किससे डरें, जो जैसे आपको भी पता है, आप देखें अल्लाह ताला के अलावा हमने किससे डरना है? ये नौकरियों के पीछे तो नहीं जाएंगे, आगे जाके अपने बच्चों के साथ क्या होगा, हम सबके बच्चों के साथ क्या होगा? आज जो हम जुल्म का हिस्सा बनेंगे, आज हमारे ही घरों में जुल्म आएगा, तो अपने ही, अगर और नहीं अल्लाह के डर से नहीं तो अपने अगली नस्लों के डर के लिए हम कर लेंगे। और ये सबको हमें मिलकर खड़े होना पड़ेगा, हमें ये कबूल नहीं है। ये भी कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, कोई और कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, मैं यकीन करें कोई भी नहीं है कर रहे। अगर दो तीन लोग ही कर रहे हैं तो हमें, हम कोई बात नहीं सह लेंगे जब तक ये निज़ाम ख़त्म नहीं होता। पर आपके साथ हम आपके साथ हमदर्दी नहीं कर रहे, हम आपको मान रहे हैं, एक बहुत बड़ा लीडर है हमारे आप। अल्लाह ताला है बड़ा सब, आप हमारे लीडर हैं। अल्लाह आपके साथ है, मैं से कहती तीन बेटे मेरे मुल्तान में हैं एंड यू आर माय फोर्थ सन, ये मेरी जिन जान है खुदा की। बहुत हम सारे आपके साथ, हम सब सारे आपके साथ हैं। सारे जो आप मैडम, मैडम अलीमा आप क्या समझती हैं, मैडम अलीमा, मैडम आप क्या आप समझती हैं कि सहाफी भी जो हैं वो 9:30 में शरीक थे? अच्छा मैडम आप क्या समझती हैं कि क्या सहाफी भी 9:30 में शामिल थे? क्या मतलब इमरान दहशतगर्दी? हाँ जी, देखिए अब लगता है केस खत्म हो गए, एक ही केस में सबको डालते जाओ, केस खत्म हो गया इनके पास, दो केस हैं उनके ऊपर सबको ढालते जाओ, जितने जितने केस खत्म हो गए, दो केस हैं वो सबको उनके अंदर, ऐसे लगता है कोई बड़ा सा डब्बा है उसके अंदर सारा ठोस रहे, डालते जाओ। मैम लास्ट टाइम आपकी तरफ से ATC में एक साफी के साथ बात की गई, उस पर सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? बात करें क्या, हम इंसान है, गुस्सा नहीं चढ़ा हो सकता हमें? लेकिन आपको गुस्सा चढ़ सकता है, हमें नहीं कुछ। देखे जब हमारे भाई के ऊपर ऐसी तनकीद कोई करता है ना, और जो इंसान इतनी हिम्मत कर रहा है, कई दफा दिल को बहुत तकलीफ होती है, हौसला खत्म हो जाता है। उस दिन जैसे वो इमरान खान के ऊपर बात कर रहे थे ना, मुझे दिल को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, बस यही हुआ था। अभी अभी क्या करें, अभी एक इंसान इतना बड़ा लीडर है, इतना बड़ा वो हमारे लिए खड़ा है,
और हम वो बच्चे खड़े होके इस किस्म की अहमकाना बातें करें, और एक दफ़ा नहीं उसने कहा, दो तीन दफ़ा कहा, बिल्कुल, तो मेरी तकलीफ नहीं बर्दाश्त हुई। अब क्या करें, कोशिश करते हैं, हौसला करें, लेकिन कई दफ़ा नहीं होता। अब क्या करें, यही सवाल कल असद कैसर साहब से भी किया गया, सब सवाल क्या था। चीज़ कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहे हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।